केस ऑफ़ ओ डी डी ऑपोजिशनल डाफेन डिसऑर्डर का केस जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे केस को डिस्कस करने का मकसद बेसिकली ये है कि जो मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स हैं उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके एक आपको इस चीज़ का आइडिया हो सके कि जो ओ डी डी का क्लाइंट है जब वो आपके पास आएगा या उसके पेरेंट्स आपके पास आएंगे तो वो किस किस्म के सिम्टम्स जो हैं वो आपको रिपोर्ट रिपोर्ट करेंगे और वो किस किस्म के सिम्टम्स जो बच्चा है वो एग्जिबिट कर रहा होगा अपने इन्वायरमेंट में तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक केस डिस्कस करेंगे मिसेज समिंगटन के दो तो बेटे हैं एक का नाम है जैमी और एक का नाम है जो शोवा तो ये दोनों बच्चे जो हैं ये मेल हैं और इनकी जो एजेस हैं दैट इज़ नाइन एंड टेन ईयर्स ओल्ड ठीक है यानी जो जेमी है वो नौ साल का है और जो समटन है वो दस साल का है मिसज समेंगटन की प्रॉब्लम ये है जो उन्होंने आके रिपोर्ट की थी कि उनके ये जो दोनों बच्चे हैं यानी जो जेमी है और जो, जो जोशुआ है दे आर नॉन कम्प्लाइंस टू वर्ड्स आर कमांड्स ठीक है यानी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन दोनों बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए तो जो क्लिनिकल इंटरव्यू कंडक्ट किया गया मिसेस समेंगटन के साथ उससे हमें ये पता चला कि उनके जो बच्चे हैं वो जब भी उनको कमांड करती थी या कोई रिक्वेस्ट करती थी कुछ करने के लिए तो बेसिकली वो डिफ़ाई कर देते थे रिफ्यूज़ कर देते थे उनकी बात को मानने से अब क्लिनिकल इंटरव्यू का क्या मतलब है सर्टन टाइम आपने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे होंगे जो टी वी होते हैं लेकिन जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है वो एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में होता है और एक सीक्वेंस में होता है जहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो मोस्टली प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में पूछता है जो कि बच्चे एग्जिबिट कर रहे होते हैं या जहाँ पर पेरेंट्स को उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा होता है तो वो जो क्लिनिकल इंटरव्यू है उसके दौरान मिसेस सिमिंगटन ने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपोर्ट किए और जब उन्होंने प्रॉब्लम्स रिपोर्ट दिए किए तो शी वॉज इन अयरफुल मॉड तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम घर के अंदर एग्जिबिट हो रही थी वो पेरेंट को डिस्ट्रेस कर रही थी क्योंकि जब भी हम कोई भी डायग्नोसिस जो है वो करना चाहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के रेफरेंस में तो उसमें डिस्ट्रेस का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है क्यों इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है इसलिए क्योंकि अगर डिस्ट्रेस जो है वो डेवलप नहीं हो रहा होगा तो हम वो डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस नहीं कर सकते तो जो आ, मिसेस समेंगटन हैं उन्होंने जब रिपोर्ट किया तो उन्होंने ये कहा कि जो जोशो है वो बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है तो जब वेन शी वज सही कि स्कूल में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो दैट्स ऑल्सो रिफ्लैक्ट एट दैट टाइम कि वो बच्चा घर के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है अब वो जो स्कूल के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या जिसकी वजह से मिसेस समिंगटन ने जो है अब वो थेरेपिस्ट को अप्रोच किया वो ये था कि वो बच्चा थर्ड ग्रेड में था और थर्ड ग्रेड में उसे दो दिन के लिए सस्पेंड किया गया क्यों बिकॉज ही वॉज टॉकिंग बैक टू हिज टीचर ठीक है तो चूंकि वो अपनी टीचर के साथ जो है वो उसने टॉक बैक किया और वो दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द स्कूल तो उसको दो दिन के लिए एक महीने में सस्पेंड कर दिया गया और इसके अलावा उसका जो टेम्पर टेंट्रम था यानी उसके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर जो थे वो एग्जिबिट हो रहे थे तो इस किस्म का जो मिस बिहेवियर था क्लास के अंदर उसकी वजह से उसको स्कूल से जो है वो सस्पेंड किया गया इसके साथ साथ उसका ये भी प्रॉब्लम था कि वो स्कूल का जो काम था वो उसको रिफ्यूज़ करता था ठीक है यानी जो भी स्कूल से उसको काम मिलता था वो उसको नहीं करता था यानी बेसिकली उसका जो कंप्लाइंस का बिहेवियर था वो एग्ज़िबिट हो रहा है उसका एंगर का बिहेवियर जो है वो एग्ज़िबिट हो रहा है और इसके साथ साथ वो अपने फादर के साथ भी जो है वो आर्गमेंटिव है तो इफ़ यू विल सी कि उसका जो प्रॉब्लम है वो एक्जिबिट हो रहा है दो सेटिंग्स में एक स्कूल में और एक घर के अंदर इसी तरह जो उसका भाई है जेमी उसको जो प्रॉब्लम है वो स्कूल के अंदर नहीं है ही हैज़ नो प्रॉब्लम इन द स्कूल लेकिन जो उसका मेन प्रॉब्लम है वो घर के अंदर है घर के अंदर क्या है जो मिसेस समन है शी वॉज एक्सप्लेनिंग कि उसका जो घर का प्रॉब्लम है वो जोशो से भी ज़्यादा वर्सन है इसका मतलब ये है कि जो जोशों का प्रॉब्लम बिहेवियर घर के अंदर है वो शायद उतना सवेयर नहीं है जितना कि जैमी का है ठीक है अब जैमी के लिए वो क्या कहती है कि मोस्टली जो उसका प्रॉब्लम है वो ये है कि वो घर से भाग जाता है काफ़ी काफ़ी टाइम के लिए या वो ऐसे स्क्रीम करता है कि जो घर में छोटा बच्चा है वो उठ जाता है इसी तरह वो घर के अंदर हर वक्त भागता दौड़ता फिरता है ठीक है और सर्टेन टाइम कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसमें वो अपने बड़े भाई को भी जो है वो कॉपी करता है जितना अगर घमरा साफ़ करना है तो उसके अंदर वो नहीं करेगा क्योंकि उसका बड़ा भाई नहीं करता तो उसको ये भी है कि कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो शायद वो अपने बड़े भाई के भी जो है वो अडोप्ट कर रहा है अब इंटरेस्टिंगली अगर आप देखो तो जो समटन है उसका बिहेवियर जो है वो दो सेटिंग में हो रहा है तो अगर आप ओ के रेफरेंस में देखोगे तो जो जोशो है उसका प्रॉब्लम जो है वो मॉडरेट लेवल का है लेकिन जो जेमी है उसका प्रॉब्लम माइल्ड लेवल का है क्योंकि उसकी एग्जिबिशन जो है वो सिंगल सेटिंग में है जो कि होम है द थिंग इज के इट डज नॉट मीन कि जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो लो है नहीं इसका मतलब ये है कि जो उसकी एग्जिबिशन ऑफ सिम्टम्स हैं वो चूंकि एक सेटिंग में है इसलिए हम उसे माइल्ड ओडिटी कह रहे हैं तो यू नीड टू बी क्लेरिफाई इन दिस थिंग बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी मदर रनिंग अवे फ्रॉम हाउस को टेन के ऊपर उसकी इंटेंसिटी बता रही है कि वो इतना डिस्टर्बिंग है तो लेकिन हम तो कह रहे हैं जी कि वो माइल्ड ओडिडी है नहीं हम इसलिए माइल्ड ओडिडी कह रहे हैं क्योंकि उसके सिम्टम एग्जिबिट हो रहे हैं सिर्फ घर के अंदर तो यू मस्ट बी कीप दिस थिंग इन योर हैड देन वैन थेरापिस्ट टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दैन तो मिसिस सिमिंगटन ने क्या रिपोर्ट किया है कि दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वाई कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज शी सेट के सम टाइम दे गो वेल विद ईच अदर यानी एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं कामों के अंदर भी और होमवर्क में भी लेकिन सर्टन टाइम वो बस में या स्कूल में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आर्गमेंटेटिव भी हो जाते हैं और छोटी छोटी, छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ना भी शुरू कर देते हैं जिस तरह अगर आ, वीडियो गेम खेल रहे हैं तो एक कोशिश करेगा कि उसे ज़्यादा टाइम मिल जाए या फूड का टाइम है या लंच का टाइम है तो एक बच्चा कोशिश करेगा कि उसे ज़्यादा क्वांटिटी uh, में फूड मिल जाए तो जो उनका आपस का रिलेशनशिप है वो भी कॉम्प्लेक्स है तो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड कि जो डिस्ट्रेस है वो उनके आपस के रिलेशनशिप में भी है यानी सबलिंग्स में भी है पेरेंट्स के साथ भी जो रिलेशनशिप है जिस तरह फादर के साथ या मदर के साथ वो भी डिस्ट्रेसफुल है और इसके साथ ही जो आपका जोशो है उसका प्रॉब्लम और जो उसके इश्यूज हैं वो क्लासमेट्स के साथ भी हैं और उसके टीचर्स के साथ भी हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स हैं वो टू सेटिंग्स में हैं और जो सिम्टम्स उसके एक्जिबिट हो रही हैं वो फोर क्राइटेरिया में से थ्री क्राइटेरिया में से फोर सिम्टम्स पूरे हो रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन से कि इन दोनों बच्चों को जो है वो ओडीटी है जो जोशो है उसको मॉडरेट लेवल का है और जो जेमी है उसको माइल्डर लेवल का है